हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस वर्मा ब्लॉग। और मैं संजय वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए ब्लॉग में। आप लोग देख रहे हो मेरे बैकग्राउंड में चारों तरफ जो सजावट डेकोरेट है वो सिरज जी का है, सीहोर वाले का, जिनका प्रोग्राम भिलाई के जयंती स्टेडियम में 25 अप्रैल से 1 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जिसका लाइव टेलीकास्ट आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। और आप लोग देवी को इस कथा स्थल में आने के लिए आप भारत के किसी भी कोने से हो, छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट पावर हाउस स्टेशन है जहां से आपको यहां कथा स्थल तक आने के लिए बहुत सुविधाजनक है, तो आप लोग ज़रूर एक बार आइए। तो चलो आप लोग को बैकग्राउंड से पूरा कथा स्थल का दिखाता हूँ, जानकारी देता हूँ। ये देख लो दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले का कथा पंडाल, मुख्य पंडाल। इसी पंडाल से प्रदीप मिश्रा जी कथा वाचन करेंगे सामने स्टेज से, और उनका डेकोरेट बहुत सुंदर हो रहा है। आप लोग देख सकते हो चारों तरफ डेकोरेट का कार्य चल रहा है, जो 25 तारीख से 1 बजे से शाम 4 बजे तक छत्तीसगढ़ के भिलाई, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के भिलाई में जयंती स्टेडियम के पास, जयंती स्टेडियम ग्राउंड पर ही हो रहा है कथा स्थल। आप यहां पर भारत के किसी भी कोने से हो आप यहां पर पहुंच सकते हैं। दुर्ग और भिलाई पावर हाउस स्टेशन और रायपुर से ज़्यादा हर तरह की रेलगाड़ी, रेल मार्ग यहां पर रुकती है और चलती है। तो आप लोग देख रहे हो डेकोरेट का कार्य चल रहा भाइयों के द्वारा, बहुत सुंदर डेकोरेट किया जा रहा है प्रदीप मिश्रा जी का। ये बहुत बड़ा ग्राउंड चारों तरफ देख सकते हो आप लोग, और भी है किनारों पर भी डेकोरेट किया जा रहा है, देख सकते हो चारों तरफ से आप लोग को घूम के दिखा रहा हूँ मैं। और ये भक्तों के लिए है डेकोरेट किया जा रहा है, जहाँ भक्त रात विश्राम करेंगे, जो दूर दूर से आते हैं भक्त वो। ये आप लोग देख सकते हो भक्तों वाला टेंट, ग्रीन कारपेट बिछाया गया है, चारों तरफ का नज़ारा। और यहाँ पूरा डेकोरेट किया जा रहा है पंडित मिश्रा जी का भिलाई में, जयंती स्टेडियम सेक्टर 6, बहुत बड़ा ग्राउंड। इसी ग्राउंड पे दशहरा भी मनाया जाता है, और ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ एक बार और भी हो चुका है सफल कार्यक्रम, यहाँ 4 से 5 लाख पब्लिक आने की संभावना जताए गए हैं। और कार्य प्रगति पर आप लोग देख सकते हो, जल्द से जल्द इसको डे नाइट 24 घंटा रुक के मजदूरों द्वारा कार्य किया जा रहा है, और डेकोरेट बहुत सुंदर किया जा रहा है, देख सकते हो आप लोग। तो आप लोग एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोग को चारों तरफ दिखाता हूँ, यही है पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा स्थल सीहोर वाले का, जिनका 25 तारीख से जयंती स्टेडियम ग्राउंड पे होना है 1 बजे से शाम 4 बजे तक। और सामने आप लोग देख सकते हो, जिसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहीं से प्रदीप मिश्रा जी कथा वाचन करेंगे। और लाइव आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से और मेरे चैनल के माध्यम से एस वर्मा ब्लॉग के माध्यम से आप लोग को मैं दिखाता रहूँगा यहाँ का छोटा छोटा ब्लॉग। आप लोग देख सकते हो चारों तरफ ये मेन पंडाल है, जिसमें प्रदीप मिश्रा जी अपना कथा वाचन करेंगे। और ये आप लोग ऊपर का डेकोरेट देख सकते हो, गर्मी के समय में भिलाई में दूसरी बार हो रहा है इस जगह पर कथा, और इस बार आना बहुत अनिवार्य है सभी को, क्योंकि भिलाई में भव्य तरह से कथा होगा। और ये बहुत बड़ा ग्राउंड है आप लोग चारों तरफ देख सकते हो, जहाँ पर सभी को रुकने का विश्राम रहेगा, और खाना और भोजन का भी माध्यम यहाँ पर है। तो आप लोग एक बार ज़रूर आइए, देख सकते हो। आप लोग देख सकते हो बहुत सुंदर डेकोरेट किया जा रहा है प्रदीप मिश्रा जी का, जिनका कथा वाचन इसी स्टेज जिससे होगा, जो सामने में आप लोग देख सकते हो। और चारों तरफ कार्य अभी भी है, 25 को है लेकिन आज 23 तारीख है, तो काम यहाँ का बहुत जल्दी हो जाएगा। आज रात भर 24 घंटा काम चल रहा है, और सब आप लोग देख सकते हो कि सभी लोग यहाँ पर ब्लॉग बना रहे हैं। दोस्तों आप लोग को मैं दिखाता हूँ चारों तरफ कार्य डेकोरेट का चल रहा है पंडित रवि मिश्रा जी का, देख सकते हो। और उधर भी है, उधर भक्तों के लिए सोने के लिए बन रहा है, और इस तरफ भी अपोजिट साइड में भी आप लोग देख सकते हो। और सामने स्टेज पे पंडित जी सीहोर वाले कथा का वाचन करेंगे शिव जी का, और बहुत यहाँ पब्लिक अभी से आना चालू हो गया है, जो जल्दी आएगा जो जल्दी पाएगा। और आप लोग देख सकते हो हवा का आनंद ले रहे, पंखा चालू है, देख सकते हो आप लोग।
यह आप लोग देख सकते हो दोस्तों, डेकोरेट का कार्य चल रहा है प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले का, कथा पंडाल का मुख्य पंडाल अभी भी काम चालू है यहाँ का। और आप लोग ज़रूर आइए भिलाई में एक बार, आप छत्तीसगढ़ में आइए, भारत के किसी भी कोने से हो जाइए आप लोग, आप लोग को यहाँ आने में सभी तरह की सुविधा मिल जाएगी, लिफ्ट से लेके बस गाड़ी मोटर ट्रेन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में रायपुर राजधानी है पास में ही 30 किलोमीटर पे, आप लोग देख ही रहे हो भव्य कथा स्थल। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, चलेगा शंभुनाथ जी का ही चल रहा है, देख सकते हो। गर्मी का भी एहसास नहीं होगा, सेक्टर एरिया भिलाई का सबसे शांत और ठंडा इलाका है। और यहीं पर प्रदीप मिश्रा का कार्य कथा स्थल जयंती स्टेडियम है, जहां पर उनका कथा वाचन होने है। और ये टेंट कार्य जोर शोर से चल रहा है, 25 तारीख से लाइव 1 बजे यूट्यूब मोबाइल और डिस्क कनेक्शन के माध्यम, आस्था चैनल के माध्यम से आप लोग को देखने मिलेगा, और यूट्यूब में ब्लॉगर लोग के माध्यम से और मेरे चैनल के माध्यम से एस वर्मा ब्लॉग के माध्यम से भी आप लोग को मैं दिखाता रहूँगा, यहाँ का अपडेट देता रहूँगा कथा वाचन प्रदीप मिश्रा जी का। तो आप लोग देख ही रहे हो, ये कथा स्थल पर हूँ मैं जयंती स्टेडियम के, जब भव्य डेकोरेट हुआ है आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, यहीं से श्री पंडित मिश्रा रवि जी कथा वाचन करेंगे। और देख लो बहुत सुंदर सजावट, और गर्मी ना लगे करके भक्तों के लिए चारों तरफ कम से कम 100 स्टैंड पे पंखा लगी हुई है, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो दोस्तों, तो आप लोग देख ही रहे हो पंखा भी बहुत लगा है। और आइए आप लोग एक बार देखिए। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में आप लोग को मैं भिलाई में प्रदीप मिश्रा जी का कथा वाचन होना है उसी जगह से ब्लॉगिंग करके दिखा रहा हूँ। ये भिलाई जयंती स्टेडियम के पास ग्राउंड है, और ख़ास बात यह है भिलाई में, क्योंकि आप भारत के किसी भी कोने से हो, अगर आप पंडित मिश्रा का कथा सुनना चाहते हो तो आप भिलाई और दुर्ग, पूरी भारत की चलने वाली ट्रेन यहाँ से होकर गुजरती, क्योंकि मुंबई टू हावड़ा रेल मार्ग पर है भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई के गोद में जयंती स्टेडियम, उसी ग्राउंड पे यहाँ का कथा वाचन होना है पंडित रवि मिश्रा जी का। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत भव्य शोभा और बहुत सुंदर सजावट सजाया गया है समिति द्वारा, आप लोग देख ही सकते हो। और आप लोग को 25 से या यहाँ से और भी ज़्यादा 25 तारीख को भव्य भीड़ है। और आज तो दोस्तों आज के ब्लॉग में हम लोग देखे पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले जी का, जिनका कथा वाचन भिलाई के जयंती स्टेडियम में होना है, और चारों तरफ आप लोग देख ही रहे हो मेरे इसी पंडाल पे होना है। और ये मुख्य पंडाल है जहाँ से पंडित मिश्रा जी लाइव कथा वाचन, और पीछे स्टेज है वहीं से करेंगे। और आप लोग छत्तीसगढ़ में आइए, भिलाई के पावन धारा पावन धरती पे हो रहा है ये प्रोग्राम प्रदीप मिश्रा जी का, भिलाई के इस ग्राउंड में जयंती स्टेडियम फेमस ग्राउंड। और आप लोग देख ही रहो बैकग्राउंड में चारों तरफ डेकोरेट का कार्य चल रहा है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में हम लोग देखे श्री पंडित मिश्रा सीहोर वाले जी का कथा पंडाल। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। मैं कंटिन्यू आप लोग को यहाँ कथा वाचन का कंटिन्यू रोज का प्रतिदे का ब्लॉग करके दिखाऊँगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप लोग को, तो आज के लिए इतना ही।